ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करेंगे BSHF 101 के 9 दिसंबर 2019 को हुए क्वेश्चन के आंसर्स बताने वाले हैं। जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था इग्नू के थ्रू, वो BSHF का पेपर जो MCQ बेस्ड था और पूरा का पूरा OMR सीट पे बेस्ड पेपर आया था, और वही पैटर्न जो हमने आपको सजेस्ट किया था वही पैटर्न आपके एग्जाम में आया, और ये ऐसा मेरे को दिख भी रहा है इस क्वेश्चन पेपर को देखते हुए। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है उससे शुरू कर लेते हैं। द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, पोस्ट इंडस्ट्रियल का मतलब होता है इंडस्ट्री के बाद की सोसाइटी, इंडस्ट्री के आने की बाद की सोसाइटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 4, ए सोसाइटी विच कम्स आफ्टर द इंडस्ट्रियल फेजेस एंड हुज एक्सियल प्रिंसिपल हैव चेंज्ड टू नॉलेज फ्रॉम दैट ऑफ लैंड एंड लेजर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय रेनेसा वी मीन, रेनेसा का मतलब रिवर्थ होता है हम जानते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने और जानी थी, क्योंकि रेनेसा जो था उसमें ज़्यादातर डोमिनेंस किस चीज़ का था, ह्यूमिनिटी का था, ह्यूमनिज्म मानवतावाद एक रीजन था उसके अंदर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक और चीज़ के क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी और अच्छा आया था, गांधी जी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ, गांधी जी ने किस चीज़ का रास्ता अपनाया था, हम सभी जानते हैं अहिंसा और सत्य का रास्ता। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 0.1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, नोम चोम्स्का एम्फेसिस, नोम चोम्स्का ने क्या एम्फेस किया था, तो वो शिक्षा का गलत प्रसार प्रसार से बचना चाहते थे, उसे शिक्षा को गलत प्रचार प्रसार से बचाना चाहते थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 2। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन द ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज में क्या क्या चीज़ें थी वो आपको ऑप्शंस में दिखाया गया, सीधे आंसर की तरफ रुक कर लेंगे। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 इसका सही हो जाएगा 5th क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देयर आर एविडेंस टू सजेस्ट दैट लैंड वॉज सिस्टमेटिकली रिक्लेम्ड फ्रॉम स्वैम्प एंड डेजर्ट एंड रिकॉर्ड क्वांटिटीज ऑफ फूड स्टफ्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड। एक चीज़ और की, जब हमने ब्रॉन्ज एज की बात की थी आपसे, तो मैंने आपको वहाँ पर हरप्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था, जहाँ पर कि जो फूड ग्रैनरीज की बात आई थी कि वहाँ पर ग्रैनरीज, बहुत बड़ी बड़ी ग्रैनरीज बनाई गई थी। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस टाइम तक हो चुका था ब्रॉन्ज एज के अंदर। तो जो पॉइंट 4 है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू स्टोन एज कॉरस्पॉन्ड थोरली टू व्हाट मॉर्गन सेड, मॉर्गन ने न्यू स्टोन एज के लिए क्या कहा था। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बार्बरिक एज, और ये चीज़ हमने क्वेश्चन को क्वेश्चन में पढ़ा भी था। क्वेश्चन नंबर 7 में जो बिना पढ़े आपको बताते हैं कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग को क्या कहा गया था, सिर्फ यही इसका मतलब है। तो जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग था उसे पर्किंग मैन भी कहा गया था, पिकिंग मैन, और ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए तो इन द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज ह्यूमन बींग्स, इन द क्वेस्ट ऑफ नॉलेज ह्यूमन बींग साइमेंटेनियसली डिस्कवर्ड साइंस एंड वैल्यूज। तो पॉइंट 3 जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। लॉज ऑफ मैजिक, कानून के क्या नियम करते हैं, कानून का नियम क्या करता है, वैलिडेट द रूल्स ऑफ वैलिडिटी। तो पॉइंट 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ें तो द इंडिविजुअल विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ नॉलेज कैन बी डिवाइडेड इंटू पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल मैन। तो इसके लिए पॉइंट 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फ्रांसिस बैकॉन इम्फेसिस द, फ्रांसिस बैकॉन ने इम्फेसिस किया था क्या, इंडक्टिव मैथड अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव मैथड ऑफ द सोशलिस्ट। पॉइंट 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मॉर्स्क्यू सॉ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मॉर्स्क्यू ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को देखा था। पॉइंट नंबर 2 इसके लिए हमें सही लग रहा है, द मार्क्सिस्ट यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। द ड्रेन थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय द नेशनलिस्ट रेफर टू, ड्रेन थ्योरी की बात हमने की थी और उसी से ताल्लुकात रखता हुआ एक प्रश्न हमारे सामने आया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट 2 क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। द प्रोसेस बाय विच अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल वेल्थ वॉज बींग एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया गॉट नो इकोनॉमिक रिलीफ्स। ड्रेन का मतलब ही होता है किसी चीज़ का बाहर जाना, और उस टाइम पे जब ड्रेन थ्योरी फॉर्मुलेट की थी हमारे नेशनलिस्ट ने, तो वहाँ पर ये कहा गया था कि हमारे देश का जो नेशनल वेल्थ है वो बिना किसी इकोनॉमिक रिलीफ के इंग्लैंड में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड वॉज एकम्पनीड बाय,
और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फॉर डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट। आगे बढ़ जाते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुमित सरकार, प्रोफेसर सुमित सरकार इज ऑफ द ओपिनियन दैट, क्वेश्चन नंबर 15, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 2, बिहाइंड अ फैसिट ऑफ लेजिजेस फेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफन एक्टिवली प्रमोटेड यूरोपियन एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू थॉमस मार्कुले द एम ऑफ द कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी वॉस, और बिल्कुल सही और सटीक इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियन इन मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। जो थॉमस मार्कुले थे उनके अकॉर्डिंग कॉलोनियल एजुकेशन की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि क्लास और ब्लड से और कलर से इंडियन होना, लेकिन टेस्ट में ओपिनियन में और मॉरल और इंटेलेक्ट में इंग्लिश पर्सन को जनरेट करना, यहाँ से ऐसे व्यक्तियों को क्रिएट करना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पॉइंट 1 इज करेक्ट फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और ये वही सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था अपने वीडियो में, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, दिस इज अ स्टेटमेंट बाय, ये किसका स्टेटमेंट है ये आपको बताना है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 3, बीजी तिलक। आगे है 18 नंबर का प्रश्न, इन चंपारण गांधी जी लीड द स्ट्रगल ऑफ द प्लेजेंट्री अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेनर, ये बिल्कुल सही जवाब है पॉइंट नंबर 4 फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू, और हमने इन सभी क्वेश्चंस के आपको जवाब दे दिए थे अपने वीडियो में, तो बिना देर के बता देते हैं इसका जो सही ऑप्शन है वो 1 इज करेक्ट फॉर दिस, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। और यहीं से रिलेटेड एक और तथ्य हमने बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पहल की थी कि इस दिन सभी लोग गंगा स्नान करेंगे और एक दूसरे के हाथ में राखी बांधकर भाईचारे का संदेश देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्या बिलीव करते थे ये आपको बताना है, और इसका जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, फेल्ट दैट द ट्रस्ट इन गुड इंटेंशन ऑफ कॉलोनियल रूलर वॉज मिसप्लेस्ड। क्वेश्चन नंबर 22 है, 21 है, गांधी जी लीड द डांडी मार्च टू मेक सॉल्ट इन वायोलेशन ऑफ द कॉलोनियल लॉ, तो इसके लिए जो 21 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1। और एक और चीज़ हमने आपको ये भी बताया था कि डांडी मार्च में गांधी जी के कितने फॉलोवर उनके साथ गए थे, तो 78 फॉलोवर्स थे उनके। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे, आफ्टर द चौरा चौरी रिवोल्यूशन इन 1922, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी वायलेंस हुआ था, जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस की जो पुलिस स्टेशन थी उस पर आग लगा दी थी और बहुत सारे पुलिस वाले जल करके मर चुके थे। तो इसके बाद में गांधी जी ने अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ, विद द अनाउंसमेंट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, गांधी जी गेव अ कॉल टू द पीपल डू एंड डाई, गांधी जी ने क्या संदेश दिया था लोगों को, करो या मरो, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 24, खुदीराम बोस द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया है, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है, और आपके पास में 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और जो करेक्ट ऑप्शन हमें लग रहा है वो हम आपको बता देते हैं, हम ये भी बताते चले कि कहाँ कहाँ हमें कन्फ्यूजन है, और जो जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल करेक्ट है वो हम आपको बताते जा रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन उन्हीं क्वेश्चन के साथ है जहाँ पर दो मत बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ जाते हैं, द नेशनल मूवमेंट अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल मूवमेंट अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ओनली इनवर्ड लुकिंग, बिल्कुल सही है, इनवर्ड लुकिंग था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ, द नेशनल मूवमेंट सिंस द अर्ली डेज, जो नेशनल मूवमेंट था वो पहले दिन से ही सेकुलरिज्म के पथ पे चल रहा था, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 27।
ये तो थे 27 क्वेश्चंस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है आपके सामने। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अभी आप हमने ब्रिटिश सिस्टम के बारे में बात किया था, वो चाहते थे कि रंग से ब्लड से हम इंडियन जो हैं वो इंडियन हो लेकिन टेस्ट से इंग्लिश हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, 28 के लिए पॉइंट नंबर 1। 29 के लिए बात कर लें, इन द पोस्ट इंडस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड नेहरू इन्विसेस्ड दैट द ब्यूरोक्रेसी शुड टेक अप डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पॉइंट नंबर 1 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 29। आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाय पुलरिज्म इन इंडिया वी मीन। पुलरिज्म का मतलब होता है बहुलवाद, और इसका जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए वो हो जाएगा पॉइंट 2। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाई रेवेन्यू डिमांड इन द इंडियन प्लेजेंट्री ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड मीन दैट। ज्यादा रेवेन्यू की डिमांड क्या दर्शाता है अंग्रेजों के शासन के समय, कि जो हमारे किसान हैं वो समृद्ध थे। पॉइंट नंबर 2 है कि हमारे किसान टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के साथ रिसोर्सेज जनरेट कर सकते थे। पॉइंट नंबर 3 है कि जो हमारे किसान हैं वो कर्ज के दलदल में फंस चुके थे। और पॉइंट नंबर 4 है कि किसान अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकता था। और इसके हमें दो सही आंसर लग रहे हैं। एक तो हमारे को सही आंसर लग रहा है पॉइंट नंबर 3, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि उस टाइम पे किसान जो है फसल हो या ना हो उन्हें कर देना पड़ता था। तो इसका जो सही ऑप्शन हमें लग रहा है वो पॉइंट नंबर 3 लग रहा है। पॉइंट नंबर 2 भी उसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है लेकिन कुछ केसेस में। 32 की बात कर लें, द कॉलोनियल स्टेट वॉज सेमी हिमोजेनिक स्टेट, क्योंकि कुछ जगहों पे ब्रिटिश का शासन था और कुछ जगहों पे जो हमारे देश की रियासतें थी छोटी छोटी वो राज करती थी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, हमने इस चीज़ की बात भी की थी अपने वीडियो के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सबसे पहले आपको बता दें तो पॉइंट नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक नया क्लास बना दिया था जमींदार का। और जमींदार क्या करते थे, वो सबसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और इसके बाद गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। और 23 नंबर के लिए जो कुछ सही ऑप्शन है वो पॉइंट नंबर 4 है। आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 34, द रयतवारी सिस्टम ऑफ मुनरो। मुनरो के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने रयतवारी सिस्टम को लेकर के आए थे। तो अब आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा, और इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पॉइंट 1, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए पॉइंट 1। 35 है, अमात्या सेन इज ऑफ द ओपिनियन दैट इंडियाज वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पॉइंट 3 इज करेक्ट। अमात्या सेन का ऐसा मानना था कि हम उन देश से भी खराब परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं जिनकी इकोनॉमी, जिनकी जो अभी हमारे से भी कम डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट 3 बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए तो इस क्वेश्चन को भी हमने अपने वीडियो में एक दिन डिस्कस किया था। बाय द टर्म एस्क्राइब्ड स्टेटस वी मीन, वो स्टेटस जो हम जन्म लेते ही हमें मिल जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो पॉइंट 2 हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, द फंक्शनलिस्ट बिलीव्ड दैट, फंक्शनलिस्ट बिलीव करते हैं, पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल सही है, हैड इट नॉट बीन फॉर द एसेंशियल फंक्शंस दैट फैमिली परफॉर्म्स इट वुड हैव सीज टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग नाउ। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए पॉइंट नंबर 1 इज करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। बाय एक्सोगेमी, एक्सोगेमी का मतलब होता है बहिर्विवाह, यानी कि अपने समाज से बाहर की शादी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि पॉइंट नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस। आगे बढ़ जाते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 1986। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात भी हमने की थी और इसमें क्या सुधार लाया गया था 2001 में, इस चीज़ के बारे में भी हमने बात किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है 39 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा 2, विद अ व्यू टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द जुवेनाइल्स इन द कंट्री। और एक और भी कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यू जो कि सेम पैटर्न हो, तो जो सेम पैटर्न वाला जो फॉर्मूला है वो 2001 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, द ट्राइब्स डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल ट्राइब्स बाय द ब्रिटिश वर डी नोटिफाइड इन
1952। आगे बढ़ जाएं आगे के प्रश्नों की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता है और बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्लोजली रिलेटेड होता है सोशल चेंज से। क्वेश्चन नंबर 42, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमने अपने वीडियोस में डिस्कस किया था। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल सही। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है वो प्रमुख कमेटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो प्रीएम्बल होता है उद्देशिका जिसे कहते हैं वो हमेशा बिगनिंग में होती है किसी भी डॉक्यूमेंट के। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 1, और ये इसका आंसर कोई भी गलत नहीं कर सकता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर, फंडामेंटल राइट्स भारत में हैं तो वो किस तरीके से फोर्सिबल हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 2, इनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉज। जी हाँ, कोर्ट के थ्रू इस चीज़ को बार बार इम्प्लीमेंट किया जाता है, फंडामेंटल राइट को, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 46 है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 46 के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, आर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें दो तथ्य हैं। एक तो ये कि कुछ प्रिंसिपल्स फोर्सेबल नहीं है लीगली, और कुछ ऐसी हैं जो कि फोर्सेबल हैं, तो इसके लिए भी दो ऑप्शंस हो सकता है। और जो ज़्यादातर चांसेस 95% जा रहे हैं वो जा रही है आर लीगली इन्फोर्सेबल के तरफ। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो है नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कुछ बच जाते हैं वो होते हैं फोर्सेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। द ग्रीक स्टेट्स प्रैक्टिस्ड, ग्रीक स्टेट प्रैक्टिस करती हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी को, तो जो पॉइंट 4 है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इंडिया इज, और इस चीज़ की बात भी हमने अपने वीडियो में की थी, इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मॉडल्ड ऑन द वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ यूके। क्वेश्चन नंबर 49 है। द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज, और इसका जो सही ऑप्शन है वो पॉइंट 3 हो जाएगा, अ स्टैट्यूटरी फुली ऑटोनोमस बॉडी इस्टेब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ जाते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है। द डिपार्टमेंट सिस्टम लीड टू, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, इरेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंटल ऑपरेशंस That are multiple and diverse. तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमने भी आपको बता दिया, पॉइंट नंबर 1 इसका सही है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हिट करें बेल का आइकन ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। एक और बात, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।